हेलो एवरीवन, मेरा नाम रंजीत बहादुर है और मैं सोशल मीडिया पर आर्टिस्ट रंजीत BHU के नाम से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मिलूंगा। और ये मेरा आर्ट वर्क है, वाराणसी घाट का मैंने लैंडस्केप किया है और ये मैं यहाँ की संस्कृति को, वाराणसी घाट और गंगा और मंदिर को मैं दर्शाना चाहा हूँ। तो हाथ से बनाया गया है? जी, सारे हैंडमेड है और हमने खुद अपने हाथों से बनाया है। और पेंटिंग किसी को चाहिए तो हमें संपर्क करें, और सीखना हो तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हम अपना वीडियो डालते हैं कैसे ड्राइंग किए हैं, कैसे हम कलर किए हैं। इसमें बड़ा वाला जो है वो 3000 है और सबसे छोटा बुक मार्क है ये 150 का है और उसके बीच में सब है, कोई 1500 का है कभी। जी सर, टाइम कितना लगा था इसमें? अरे उसमें बनाने में सर बहुत ज़्यादा समय सोचने में लगता है कि क्या बनाना है कैनवास पे, फिर उसके बाद ड्राइंग करके कलर करने में तो 2-3 घंटे में हो जाता है, बाकी उसमें प्लानिंग करने में कि कैसे बनाया जाए, क्या बनाया जाए, इसके लिए ज़्यादा समय लगता है। दोस्तों देखिएगा, ये भैया अभी एक स्केच बना रहे थे, ये अभी हाफ कंप्लीट हुआ है। भैया को इतना स्केच, भैया को इतना स्केच बनाने में अभी सिर्फ 5 मिनट लगे हैं और ये आप देख सकते हैं भैया की ये जो अभी की मेहनत बहुत ही बड़ी है। और आप देखिए भैया को, भैया बहुत ही PHU के गेट पे आपको भैया मिल जाएंगे। भाई बहुत ही प्यारी पेंटिंग हुई। देखिए गाइस, ये अपने हाथ से स्केच बनाते हैं और तुरंत बना के देते हैं। भैया कितनी देर में देते हो आप? 20 मिनट में पूरा स्केच बना के देंगे। और भी लोग हैं यहाँ पे जो स्केच यहाँ पे बनाते हैं। भैया आप कितनी देर में स्केच बना देते हो? कितनी देर में स्केच बना लेते हो आप? 15 से 20 मिनट में भैया भी बना लेते हैं। ये इनका एक डिज़ाइन लगा हुआ है, ये देखें, ब्लैक एंड वाइट स्केच बना के देते हैं 400 में 15 से 20 मिनट में। ये इनका एक लगा हुआ है, वहाँ भी एक भैया बैठे हुए हैं, देख सकते हो। तो आप यहाँ आते हो तो आप स्केच वगैरह भी बनवा सकते हो अपना। मंदिर के गेट पे ही 2-3 भैया लोग बैठे हैं जो 15 से 20 मिनट में आपके स्केच तैयार कर देंगे और 400 रुपीज़ देंगे। मुझे लगता है बार्गेनिंग करोगे तो हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आप विश्वनाथ टेम्पल, अभी आपको लेके चलते हैं अंदर। पहले बाहर से देखिए इसका नज़ारा। काफ़ी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और काफ़ी बाहर के लोग भी हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, हम तो बाहर से ही आए हैं। तो आप अंदर आ सकते हो, एंट्री का ऐसा कोई वो इशू नहीं होगा कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप आराम से अंदर आ सकते हैं। तो अविरल भाई पार्किंग पे देने गए स्कूटी, आ जाएं फिर हम चलते हैं अंदर। चलें चलें चलें। दोस्तों देखिए ये हैंडक्राफ्ट है, हैंडमेड है, ये वुलन है, हैंडमेड है, देख सकते हो। जस्ट टेंपल के बाहर इनकी शॉप है, यू कैन सी। ये देखिए ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, अगर किसी को कुछ ख़रीदना है तो ख़रीद सकता है। ऐसे तो हर जगह बनारस में ऐसी शॉप्स मिलेंगी, बट यहाँ पे मुझे हैंडमेड दिखी तो मैंने आपको दिखलाया भी। मंदिर का प्रसाद वगैरह लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। अब चलते हैं, आपको सीधा दिखाते हैं विश्वनाथ टेम्पल जो है BHU के कैंपस में। आपको पहले दिखाते हैं बाहर का नज़ारा।
how vast this is. So that's the main entrance. तो दोस्तों अंदर जाने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ इस मंदिर के बारे में. तो ये जो मंदिर है 2 मार्च 2013 में बना था. इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2 मार्च 2013 में और इसका इनॉग्रेशन हुआ था डॉक्टर करण सिंह जो यहाँ के चांसलर थे ऑनरेबल और डॉक्टर लालजी सिंह जो वाइस चांसलर हैं थे नहीं हैं तो उन्हीं की प्रेजेंस में ये इनॉग्रेशन हुआ था इस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर इस विश्वनाथ टेम्पल का और इस गार्डन का. आप देख सकते हो गार्डन भी है छोटा छोटा तो नहीं है. आप देख सकते हो इतना छोटा भी नहीं है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत है. तो आप चलिए आपको ले चलते हैं हम लोग विश्वनाथ टेम्पल के अंदर. देख सकते हो यहाँ की ग्रीनरी. एंट्रेंस पे आपको दिखेगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी का स्टैचू और यहाँ से आपको मेन गेट मिलेगा मंदिर का. कितना प्यारा मंदिर बना हुआ, कितना बड़ा और कितना प्यारा. इट्स एक्चुअली वेरी अट्रैक्टिव. दिस इज़ सो अट्रैक्टिव मैन. तो यहाँ पे आने से पहले आप यहाँ पे जूते चप्पल अपने यहाँ पे रख सकते हो. स्टैंड बना हुआ है यहाँ पे, दे दो जूते. फिर जब लौट के आओगे फिर वो पैसे बताएंगे, फिर आप पैसे दे देना. तो अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर. तो चलिए और ये है मंदिर के खुलने का समय. समय देख लीजिए, सुबह 4 बजे से खुला रहता है, दोपहर 12 बजे तक, फिर 1 बजे से रात में 9 बजे तक. तो चलिए चलते हैं अंदर. बैठने के लिए यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से ऐसे चीज़ें बनी हुई हैं. शेड्स के लिए काफ़ी पेड़ हैं. यहाँ पे घंटे वगैरह बने हुए हैं, देख सकते हो. ये मंदिर के अंदर का माहौल है. बहुत प्यारे प्यारे पेड़ हैं और वहाँ पे कुछ बैठक घर टाइप का आप समझ लो शायद कुछ बना है. ये है मंदिर, ले चलते हैं आपको अंदर. जैसा कि मैंने बोला था बैठने के लिए ये सब चीज़ें बनी हुई हैं. लोगों ने यहाँ भी चप्पलें उतारी हुई हैं, शायद मंदिर के कर्मचारियों की होंगी. तो ये कुछ ऐसा लगता है यहाँ से. तो चलिए चलते हैं अंदर. सेक्शन ये कुछ ऐसा बना है बड़ा सा. चलिए चलते हैं अंदर. पहले चलते हैं गणेश जी के पास, बप्पा के पास. बोलते हैं पहले बप्पा की पूजा फिर पप्पा की पूजा. तो चलिए चलते हैं अंदर मेन मंदिर में. वीडियो निकालने की परमिशन मिली है हमें. ये अंदर से ऐसा वीडियो देख सकते हो, बाकी वहाँ जाके परमिशन नहीं मिली हमें. ये अविरल भाई हैं, ये देखो आप दर्शन कर लीजिए भगवान के.
ये था मेन मंदिर, आप देख सकते हो अविरल भाई ने अलाउ करवाया इसी तरह। तो दोस्तों आप लेके चलते हैं आपको बाहर नंदी महाराज, नंदी महाराज जी के पास। इधर की ये देख लीजिए, बहुत ठंडा लग रहा है इस हॉल में, बहुत ज़्यादा ठंडा है। दोस्तों यहाँ से आपको दिखाते हैं अंदर की चीज़ें। वहाँ भी एक हॉल बना हुआ है, यज्ञ कुंड है शायद, यज्ञ वगैरह होता है। हाँ यज्ञ कुंड ही है, देख सकते हो आप। ये रहा है इसके बाहर का नज़ारा, कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये इसका दूसरा साइड है दोस्तों, आप देख सकते हो। ये मैंने बैठक घर बताया था वो नहीं है, ये यज्ञ कुंड का है, यज्ञ वगैरह होते हैं यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे भगवान नटराज की मूर्ति लगी हुई है, बस आप यहीं तक आ सकते हो इस चौखट तक, यहाँ से देख सकते हो। आप ऊपर भी जा सकते हो फर्स्ट फ्लोर पे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं ऊपर से इसका नज़ारा। दोस्तों ये माँ सरस्वती का छोटा सा मंदिर, इसमें भी आप यहीं तक आ सकते हो, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हो। यहाँ से ये वही हॉल है जो आपको मैंने कुछ देर पहले दिखाया था, बहुत बड़ी खिड़की लगी हुई है, बहुत बड़ी विंडो है। इसी विंडो की वजह से वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। लेके चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे, पंचमुख महादेव। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो मित्रों अब आपको लेके चलते हैं दूसरी साइड से, दिखाते हैं आपको पंचमुखी महादेव। सामने देख सकते हैं आपको घंटी लग रही होगी, बट वो घंटी नहीं है, दीवारों के डिज़ाइंस हैं। आप देखो पास जाके, ये डिज़ाइंस बनाई गई हैं, दूर से एकदम घंटियाँ लगती हैं ये। और ये मंदिर में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर के दोनों तरफ हाल बनाए गए हैं, और यहाँ पे आप रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, अपने मन की शांति के लिए महादेव का ध्यान कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर अपने मन में कर सकते हैं। और देखिए ले चलते हैं आपको, सामने हमारे दिख रहे हैं श्री हनुमान जी, और ले चलते हैं आपको पंचमुख हनुमान जी के पास में। और बोलते रहिए जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, श्री राम जय श्री राम। और देख सकते हैं यहाँ पर श्री हनुमान जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा रखी गई है, और यहाँ पर श्री सीताराम जी की प्रतिमा और राधा कृष्ण जी की बहुत ही प्यारी मूर्ति रखी। और जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो बिल्कुल निश्चित ये अष्टधातु की मूर्तियाँ हैं जो आप देख रहे हैं। राधा के राइट हैंड साइड पर जी का ये प्रतिमा है यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये भी।
और दोस्तों ये आप देख सकते हैं श्री हनुमान चालीसा जो यहाँ पर पत्थरों पे लगाई गई है पत्थरों से। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे, जो भी वाराणसी घूमने आता है ये BHU कैंपस में आते हैं लोग इस टेम्पल के दर्शन करने के लिए। अब आपको लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे है रास्ता, तो आइए पीछे पीछे हमारे जल्दी जल्दी से देखते हैं ऊपर क्या है। तो दोस्तों ऊपर आके यहाँ पे काफ़ी पेंटिंग्स वगैरह टाइप की बनी हुई हैं वॉल्स में, आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे कोई मंदिर तो मंदिर भी है, मंदिर है यहाँ, मंदिर भी है दोस्तों। पहले आप ये पेंटिंग्स देख लो, एंजॉय कर लो, फिर आपको ले चलते हैं भगवान शिव के मंदिर में। लोग यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियो ये सब चीज़ें करवा रहे हैं। ये दोस्तों देखिए इस रास्ते को, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे है महादेव जी का मंदिर, और भी मंदिर हैं। बहुत ही पीसफुल मंदिर लग रहा है, ये इतना बड़ा है कि आवाज़ इको हो रही है यहाँ पर। दीवारों के ऊपर और छत के ऊपर की आप कलाकारी देखें, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ भी देखिए वही सेम घंटियाँ बनी हुई हैं, इनबिल्ट घंटियाँ दीवारों में इनबिल्ट। देखिए लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाते हुए अविरल भाई से, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग। देखिए मित्रों हाउ बिग दिस इज, हाउ वास्ट, हाउ ह्यूज। यहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण जी का भी मंदिर है, ये देखिए बहुत ही प्यारा मंदिर, बहुत ही प्यारा मंदिर, बहुत ही खूबसूरत स्टैचू है। ये संत रैदास जी का चित्र बना हुआ है, रैदास जी का चित्र बना हुआ है दीवार में, ये देखिए। दोस्तों ये देखिए कांच पे भी आपको चित्र दिखेंगे। देखिए यहाँ पे कांच पे भी मैंने बोला आपको चित्र दिखाई देंगे। ये देखिए चारों तरफ आप देख रहे हैं आकृतियाँ बनी हुई हैं दीवारों पे, बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर चित्र हैं। आप जिधर देखोगे वहाँ पे आकृतियाँ दिखेंगे आपको। दीवारों पे गीता के श्लोक भी लिखे हुए हैं, श्लोक के साथ। दोस्तों देखिए गीता के श्लोक भी लिखे हुए हैं दीवारों पे। दोस्तों यह मंदिर वाराणसी में दूसरा काशी विश्वनाथ मंदिर है जो कि BHU के पर्सन में बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण बिरला समूह द्वारा कराया गया है। इस मंदिर को विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। दोस्तों यह मंदिर BHU के मध्य में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है जिसका शिखर लगभग 252 फीट ऊंचा है। मंदिर का शिखर तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर से भी ऊंचा है। मंदिर के मुख्य शिखर के अलावा दो अन्य शिखर भी हैं, श्री विश्वनाथ मंदिर द्रविड़ नागर और बेसर वास्तुकला शैलियों पर आधारित है। मंदिर का निर्माण कई खंडों में किया गया था। तपस्वी स्वामी कृष्णम ने मार्च 1931 में मंदिर की आधारशिला रखी थी। उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने 1954 में मंदिर का निर्माण पूरा किया। यह मंदिर
वाराणसी आने वाले पर्यटकों और हिंदू छात्रों के बीच एक प्रमुख आकर्षण है। तो दोस्तों यहीं पर हम करते हैं वीडियो को एंड। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने घर परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें हमारे चैनल को। थैंक यू।